आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस में आपका जीपीएस विदाउट इंजन ऑन ऑफ, लेकिन मैं उसमें आपको इंजन ऑन ऑफ का कनेक्शन बता दूंगा। इसको बगल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके चाबी के पीछे से कपलर आया हुआ है, ये रहा, ये देख लीजिए, ये चाबी के पीछे से कपलर आया हुआ है, इसको हम वापसी कनेक्ट कर लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको खोलना कैसे है। इसको इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, ये नट खोलना है सबसे पहले, ये इसके बगल में ही है, इंडिकेटर के बगल में नट है, इसको खोलेंगे। उसके बाद आपके ये दो नट खोल लेने हैं हमको, सेम चीज़ उस तरफ है, ऐसे छः नट खोलेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा कम्प्लीटली। अभी चाबी के पीछे के कनेक्शन है हमारे, अब हम इसको वापसी लगा लेंगे और आपका एक मीटर ले लेंगे। मीटर ले लिया, मीटर कनेक्शन देख लीजिए इस तरीके से होंगे, आपका रेड यहाँ पे लगेगा, ब्लैक यहाँ पे लगेगा, और इसको 20 पे कर लेंगे, इसको 20 पे कर लेंगे। ये हमारा बॉडी अर्थ यहाँ से चेक करेंगे हम, ये रेड में देख लीजिए डायरेक्ट आ रहा है और इन दोनों में करंट अभी नहीं आ रहा है। इसके अंदर आपका डायरेक्ट आ रहा है, इसके अंदर भी डायरेक्ट आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। चाय बंद करना है, इसकी चाय बंद करो, ये देख लीजिए चला गया, इसके अंदर, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है, रेड वाले में आ रहा है, ये डायरेक्ट हो गया आपका रेड वाला। चाबी ऑन करना, अब ये आपका ब्लैक में आने लग गया है और ग्रीन में भी नहीं आया, मतलब कि हमारा रेड डायरेक्ट और ब्लैक जो है एसीसी है, मतलब इसमें चाबी ऑन करने के बाद करंट आ रहा है और आपका ब्लैक वायर ही कट होगा इसके अंदर। अब मैं इसके आपके कनेक्शन बता देता हूँ आपको फटाफट। रेड वायर हम स्प्लाइस कर लेंगे, रेड वायर हम स्प्लाइस कर लेंगे और ब्लैक वायर हमारा एसीसी है, इसको स्प्लाइस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इंजन ऑन ऑफ वाला फीचर नहीं देना है, तो हम इसमें अभी कट नहीं कर रहे हैं इसको, वरना हम इसको ब्लैक वाले को जो है मीटर रख दो, ब्लैक वाले को कट कर लेते हैं, चाहे बंद कर देना। अब हम ये आपका जीपीएस की वायरिंग का है, रेड हम डायरेक्ट पे करंट कनेक्ट कर देंगे और चालू करना, वहाँ चालू करना, गाड़ी चालू करना, अब चालू करना गाड़ी, ये देख लीजिए चालू हो गई है, अब डायरेक्ट से चालू होता है, इसको हटाते ही बंद हो गई है, मतलब यही हमारा ब्लैक वायर कट होगा इसके अंदर। लेकिन अभी हमें इंजन ऑन वाला फीचर नहीं देना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एसीसी लगा देंगे आपका सिर्फ, वरना हम इसमें रिले के प्रॉपर कनेक्शन करते हैं। और इसके कनेक्शन के लिए आप हमारी और भी बाइक्स में वीडियोज़ हैं, एक और स्प्लेंडर की वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसका बॉडी अर्थ हम दे देंगे आपका, चाबी के नीचे एक नट होता है वहीं पर दे देंगे। और इसके अंदर एसीसी कहाँ दे सकते हैं, चाबी के नीचे नट है उसमें दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, नहीं तो होगा, ये चाबी के नीचे एक नट है, इसमें हम एसीसी का कनेक्शन दे सकते हैं, दिक्कत भी हम इसके नीचे का नट खोलेंगे, ये लॉक के नीचे एक नट होता है, इसमें अर्थ बढ़िया आता है, हम इसके अंदर आपका बॉडी अर्थ दे देंगे। इसके अंदर तो काफ़ी जगह है बॉडी अर्थ देने की, हर बाइक में इतनी जगह होती नहीं है, लेकिन हाँ चाबी के नीचे सब में होती है, एक नट लगा होता है उसमें अर्थ आता है यहाँ। अब हम इसको वापसी कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से हमने ये वापसी लगा दिया,
अब हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, जिस तरीके से हमने इसको खोला था उस तरीके से बंद कर देंगे और हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं। और आपको जीपीएस रिगार्डिंग या इसको इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग हमारे चैनल चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप हमारे से परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, और बल्क में परचेज करना था तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं आपका, नीचे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।